अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज है जी जुम्मा और बच्चे आज एक दिन जब स्कूल खुले थे ना तब गए थे और आज जा रहे हैं। तो आज आप वेदर का सूरत हाल देख सकते हैं, फिर से वही सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा धुंध है और बच्चों ने तैयारियाँ जो है ना स्कूल की फाइनल की हुई हैं। आज तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। पानी देखें फर्श पर और ऊपर से देखें आप तो ये वेदर है, लेकिन बच्चों ने जाना है, हानी आ रही है कुरान का सबक पढ़ने और मैंने बैठना है जीन का नाश्ता बनाने। हम लोग नाश्ते के लिए सारा सामान यहाँ आया हुआ है, ये देख रहे हैं शुएब अभी कंबल में घुसे हुए हैं और इनको चला देते हैं तब थोड़ी देर के लिए बच्चों को हीटर, ठीक है। हम चलाते हैं, उठाते हैं लीड को और ले जाते हैं जी इधर। आ जाओ बच्चों, आपके लिए हीटर चल रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हीटर चला देते हैं, ये शुएब मेरी पिंचो को अपने दाल दिलाओ ना। हेलो हानी बना बना रही हूँ। ये पिंचो बैठेगी इधर, हाथ गरम करेगी पापा के साथ और हम इसको लगा देते हैं। चल गए, वहीं जला दो। ये देखें जी ये चल चुका है क्योंकि उमना के हाथ हैं जी गरम। शुएब उधर थी, मेरे बालों को बांध दो ठंडे ठंडे। हाँ वो उमना गरम करेगी ना ठंडो। बड़ी बेटियों को जब खाना देने बैठी हूँ शुएब के लिए साला नहीं करता तो वो चाय के साथ खाते नहीं, अंडा वंडा कोई पड़ा नहीं था। सो मैंने यहाँ कुकर में चढ़ा दिया आलू, तो नाश्ता बड़े बच्चे करके चले गए, छोटे हमारे अपने अब्बू के साथ ही जाएंगे क्योंकि बहुत ठंड हो रही, ठंड ना होती तो मैं इनको निकाल देती। आज इनका फर्स्ट डे ट्यूशन का भी है क्योंकि थक चुके हैं, काफ़ी छुट्टियाँ इनकी करवा ली हैं। 19 को स्कूल खुलना था आज, 19 है, मैं 19 के इंतज़ार में थी। इन छोटों का, बड़ियों का तो खैर ओपन था, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है। स्कूल वालों अब स्कूल बंद ना करना। हमजा अभी भी ऊपर देखे ना छुपे हुए हैं, ये शुएब तैयारी कर रहे हैं और स्कूटी अभी हमारी बन के नहीं आई। दुआ कीजिएगा जल्दी जल्दी हमारी स्कूटी बनकर आ जाए। जो शॉर्ट वीडियो मैंने स्कूटी की भेजी है वो हमारी स्कूटी बन रही है, तो दुआ कीजिएगा जल्दी 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 वो बन जाए, बनकर आएगी तो कुछ सुकून आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन है। तो इसलिए शेख के वालिद की तबीयत जो है ना तो वो ठीक नहीं है, जहरी बात है हर तरफ, तो पहले पूरा साल ये भी बीमार होकर उठे हैं, तो इसलिए हमारा बाहर निकले बगैर गुजारा नहीं है। तो दुआ कीजिएगा जल्द जल्दी स्कूटी बन के आ जाए, हमारा सालन भी जल्दी बन जाए शुएब के बेड पर चढ़ने से पहले पहले। यहाँ मैंने आवाज़ कम की हुई है, पढ़ा रही थी तो मैं इनको बैठा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को देते हैं नाश्ता, फिर दोबारा हाजिर होती हूँ। हमारा सालन बुनाई पर आ चुका है, शुएब यहाँ इंतज़ार में है कि इनकी कब पराठा रोटी बन के आएगी और ये खाएंगे। हम बना रहे हैं शुएब के लिए पराठा, ये देखें ये शुएब ने पीस दिए, मैं पराठा बना लूँ। यहाँ हम खा रहे हैं जी पराठा, आलू का बन चुका है। हमारा सिलेंडर सिलेंडर वक्त से पहले बताऊँ, आज 19 तारीख है और 19 तारीख को हमारा सिलेंडर जवाब दे गया, जबकि हमारा सिलेंडर हमेशा 28, 29, 30 मतलब इस तरह जाता है। इस दफ़ा हमारा सिलेंडर ख़त्म हुआ था, मुझे याद है ये कम से एक दो दिन पहले, बस तो पता नहीं 10 दिन पहले ही ख़त्म हो गया। और इस दफ़ा ना शेर चूल्हों ने काला भी बहुत किया, सही नहीं था। और देखो ये मोबाइल
हम खा लेते हैं नाश्ता। हमजा आप क्यों हर वक्त उठाते हो, उठो चलो स्कूल के। फाइनली वीवर शुएब गए थे चले, और हमने सारी सफाई वगैरह कर ली है, बच्चे भी आज सारे चले गए थे, और मैंने जो है ना अभी अभी चेंज किया है, अभी सारी हुई हूँ। भूख लग रहा है कि अब जैसे ना आ रही है, भैया अल्लाह को पता कि आ रही है या नहीं आ रही। ये वाले जो कपड़े हैं ना ये निकाले हैं मशीन से, और अब जो अपने चेंज किए हैं बच्चे उतार के गए हैं, बाकी भी थे यहाँ भी बच्चों के कुछ हैं, और कुछ अब दोबारा अंदर डालें। टाइम आपको बताऊं तो पूरे पूरे 12 हो चुके हैं। हमजा ने ऊपर तीर मारा है, देखें इतना कोई गंदा बच्चा है ना। और बच्चे अभी आने वाले हैं क्योंकि आज है जी जुम्मा, स्कूटी अभी हमारी आई नहीं है, बहुत ही हम परेशान हैं। दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, बीच में जुम्मा आ गया इसीलिए वो नहीं आ सकी ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं करती हूँ जी रेस्ट, फिर बाकी तो सारा दिन का काम मतलब हो चुका है। जैसे होता है ना हाथ पर लोशन लगा लूँ, जैसे सालन पकाना होता है तो वो भी हमारा माशाल्लाह से हो गया है। आपको पता है सुबह सुबह मैंने आलू का सालन बना लिया, उसके बाद जो है ना हस्बैंड के कपड़े वगैरह होते हैं जिसकी मुझे टेंशन होती है वो भी हो गए, मतलब वो भी चले गए। अब कपड़े धुलना है तो वो तो आपको पता है हमारी मशीन होती है, बाकी दिन भर के जितने भी काम हैं तकरीबन सुबह ही हमारे हो जाते हैं। ये फिर मेरा फ्री टाइम होता है जिसमें मैं अपने हस्बैंड का हाथ बढ़ाती हूँ, मतलब पढ़ाने जाती हूँ, और इस तरह उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम करते हैं रेस्ट, उसके बाद जो है ना उठेंगे, बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना वाना देना है, पाँव गर्म करते हैं, बहुत ठंड लगी हुई है ना, तो फिर वो करते हैं। हीटर थोड़ी देर के लिए चला लेती हूँ। पता नहीं ये किसका नंबर है, अननोन कॉल। हेलो जी कौन? ऐसे ही फजूल अननोन कॉल, ब्लॉक कर दिया है ने नंबर उनका। तो अब हम कर देते हैं अपनी वीडियो की एडिटिंग, कुछ देर गर्म होते हैं और वीडियो की एडिटिंग करते हैं, बच्चे भी आने वाले हैं, फिर दोबारा वीडियो का आगाज़ करेंगे। व्यूअर्स बच्चे पहुंच चुके थे, ये देखिए ये बच्चों के कपड़ों का हाल है। हम लोग चलते हैं बाहर, धूप आ चुकी है, मज़े की आपको बात बताऊं कि धूप आ चुकी है। अच्छा खोल दे पूरा दरवाज़ा खोल दे, सालिया बना रही बच्चों के लिए खाला। मामा जल्दी कर, गैस ख़त्म होने वाली है, जल्दी कर। शाबाश। क्यों गैस? अम्मी मुझे लग रहा है ना, जल्दी कर जल्दी। सुबह मैं ना खाना बना रही थी तो गैस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी थी। हमजा ठहर जा, मैं आ रही हूँ, मैंने आज अभी घर की सफाइयाँ की थी है ना। ठहर ठहर यहाँ से, मैं इसका तो आज मुंह तोड़ती हूँ ना। देखो इन्होंने ना इतना तंग किया हुआ, मैं अभी बैठी हूँ सारा घर समेट समेट कर। चलो तुम उतारो कपड़े, मैं नहलाऊं। चलो ठहर, तुम्हें ये सर्दी नजर आ रही है, ये सर्दी है। गाइस डेली हमारी 3 दफा मशीन चलती है, 3 दफा आप सोचेंगे। ये उस वक्त मैंने कपड़े वो किए, अब दोबारा क्योंकि स्कूटी आई नहीं है अभी तक, और पता नहीं मैं पढ़ाने भी जाती हूँ या नहीं जाती, तो अभी फिलहाल मैं इनके कपड़े ये देखें ये मशीन में डले हैं, ये ज़रा निकाल लूँ, फिर इनको मैं ना वो करवाती हूँ, नहलाती हूँ छोटो तीनों को। साले जल्दी करो, तू भी आज नहा लेती। ये मैं सारे कपड़े इनके निकाल लूं, सुबह सुबह नहला देती, इन कपड़ों को फैला लेते हैं और फिर दूसरे इनके डालते हैं। जल्दी करो जल्दी जल्दी, यहाँ यहाँ आ जाओ सारे, तीनों यहाँ जमा हो जाओ कपड़े उतार के। हमने ये वाले कपड़े डाल लिए और अब इनके यूनिफॉर्म, और एक है कि बेडशीट बच्चों के रूम की ना वो भी हम धो, कपड़े इनके जो है ना ये सारे हमने बाहर निकाल लिए हैं। तुम्हारे बुरखे भी डालने हैं। तो गाइज धूप पे वापस आके बैठ गए, धूप भी निकली है और लाइट भी चली गई, ये है हमारे पाकिस्तानियों के हाल। कल परसों 2 दिन धूप निकलती रही, लाइट जाती रही है। जब फुल सर्दी होती है ना लाइट होती है ना गैस होती है, जब धूप आ जाती है धूप के अंदर लाइट होने लगी है। बच्चों को नहला रही थी, हानी को नहला के फारी हुई हूँ, लाइट चली गई, छोटे बेचारों ने ऐसे ही वो कर लिया। फिर दोबारा बैठ गई हूँ, हानी का बैग भी मशीन में हमने डाल दिया है। चलें
वो वाला जो नहीं है आज वो वाला लेती जाना, हमजा वाला वो वाला, वो आज लेती जाना, वो छूट गए, खैर है एक दिन हो जाता है ऐसा, ठीक है। अगर आज शुएब ने अपनी कारीगरी शुरू कर दी है, हमजा की साइकिल बना रहे, बन जाएगी आज के दिन हैं, पता नहीं बनेगी या नहीं। मैं यहाँ नमाज पढ़ के बैठी हूँ, इसकी ना साइकिल की चैन उतर जाती थी, इन्होंने तो पूरी साइकिल ही खोल दी है, अब पता नहीं ये बनती भी है या नहीं। वो देखे इसकी कीड़े बनती है हमजा, मुझे नहीं लगता है, पूरा मुझे पूरा यकीन है बन जाएगी। और कौन बनाएगा मुझे यकीन नहीं है कि शेर साइकिल इसकी बना सकते हैं, काले नहीं बना सकते। देखते हैं, नमाज पढ़ी है, इंतजार कर रही हूँ लाइट आने का, नहीं आती तो इनको कहती हूँ हमजा जाए नोजी वाश कर चल। सो व्यूअर्स गैस हो गई है जी ख़त्म, और हम बच्चों का खाना बना रहे हैं, आधी बन चुकी हैं रोटियाँ, थोड़ी सी रह गई हैं, तो ये सुबह से ख़त्म होती होती अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। सालन शुक्र है पड़ा हुआ आज के लिए इतना, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होगी जी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। गैस ख़त्म, गैस सुबह से ड्रामे कर रही है, ये भूख लग रही है।